में आपको अभी तक बताया था क्रिकेट में सजाती सेंट्रल सोर्सेस का है, हमने वहां पर खत्म किया था आपका वीडियो। उसके आगे आप लोग शुरू करते हैं कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं, कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक क्रियाएं, कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक क्रियाएं। इसमें सबसे पहले तो दहन कि दहन क्या होता है। देखिए दहन आपको समझ में आ रहा होगा कि दहन का दहन मतलब किसी प्रकार पदार्थ का जलना है, कोई पदार्थ जलता है। कोई पदार्थ कब जलता है, जब उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति मिलती है। जब ऑक्सीजन उपस्थित होगी तो कोई पदार्थ क्या होगा, जलने लगेगा। इसका दहन लगे किसी कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊष्मा तथा प्रकाश को उत्पन्न करना दहन कहलाता है। किसी कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊष्मा तथा प्रकाश को उत्पन्न करना दहन कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिखे रिएक्शन, ये हमारा सी एच फोर है, कार्बनिक यौगिक है, एल्केन है सी एच फोर, ठीक है। इसकी अभिक्रिया जो ऑक्सीजन से करा देंगे ओ टू से हो गई, यहाँ पर हमारा बनेगा सी ओ टू प्लस टू एच टू। तो जब भी दहन होगा तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है और जल आप अलग कर देंगे। किसी भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, जल निकालेंगे और अपार ऊष्मा भी निकलेगी। इसी प्रकार से जैसे देखते हैं सी टू एच फोर, जब इसका दहन करेंगे तब बनेगा सी ओ टू प्लस एच टू ओ। यहाँ पर आप सी टू कर देंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोर सी ओ टू, ठीक है। इस तरीके से यहाँ देखिए आप हाइड्रोजन लिखते हैं, हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर लेंगे फोर एच टू, ऑक्सीजन हो गए चार और आठ सोलह सेवन फोर टू मिला। इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमने ऑक्सीजन और कार्बन को बैलेंस कर लिया। कुल मिला के आपको ये जानना, जब कोई कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा अपार ऊष्मा उत्पन्न करता है। इस अभिक्रिया को दहन क्रिया कहते हैं। कोई भी यौगिक ऑक्सीजन के उत्पन्न प्रकाश का ऊष्मा उत्पन्न करे तो वह अभिक्रिया हमारी दहन क्रिया कहलाती है। दहन क्रिया के लिए हमने बता दिया हमेशा दहन में कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होगी। दहन किसकी उपस्थिति अनिवार्य होगी, ऑक्सीजन की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्रिया की ओर, जब बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए प्रतिस्थापन क्रिया क्या होती है, जब कोई कार्बनिक तत्व यानी किसी कार्बनिक यौगिक से, ठीक है, उसके समूह को विस्थापित कर दे, यानी कोई कार्बनिक तत्व या यौगिक, ठीक है, कार्बनिक यौगिक से उसके समूह को विस्थापित कर दे तो उसे प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। यानी किसी समूह को विस्थापित करके कुछ उसकी जगह पे आ जाए या किसी भाग को प्रतिस्थापित कर दे कार्बनिक यौगिक पे, तो वहां पर प्रतिस्थापन क्रिया होगी। वैसे हमें कैसे पड़ी होगी, जब कोई अभिक्रियाशील तत्व तब क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देने से प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। जब कोई अभिक्रियाशील तत्व तब क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करे तो वो हमारी प्रतिस्थापन क्रिया कहलाती है। इसलिए से जब कार्बनिक यौगिक से कुछ भाई उसके कोई क्रियात्मक समूह हो दूसरे यौगिक द्वारा प्रतिस्थापित हो तो वहाँ प्रतिस्थापन क्रिया होगी। जैसे देखिए यहाँ पर रिएक्शन लिखते हैं हम सी एच फोर सी एच टू, तो देखिए ये मीथेन है, क्लोरीन से क्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या आएगा सी एच थ्री सी एच प्लस एच सी एच। तो क्या देखा, जो इस क्लोरीन का इंटरेस्ट था उस सी एच को क्या किया, प्रस्थापित किया और उसकी जगह पे आकर तो मैथिल क्लोराइड बना हाइड्रोजन क्लोराइड बनी। तो यहाँ से क्या किया, हाइड्रोजन को प्रस्थापित कर दिया, तो हाइड्रोजन को प्रस्थापित करके खुद उसकी जगह ले लिया, तो प्रस्थापन किया। जैसे एथिल क्लोराइड सभी लोग पता है सूत्र था सी टू एच फाइव ओ एच, इसकी हम सोडियम से क्रिया करा देंगे दो अणु लेंगे तो हमारे यहाँ पर सी टू एच फाइव ओ एन ए प्लस एच टू। तो यहाँ पर मैंने सोडियम ने हाइड्रोजन को प्रस्थापित किया और सोडियम एथॉक्साइड बना, क्या बना, सोडियम एथॉक्साइड बना। तो इस तरह की क्रिया को क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन क्रिया बोलेंगे। यानी क्या कहते हैं, जब कोई क्रियाशील तत्व, ठीक है, कार्बनिक यौगिक से उसके क्रियात्मक समूह के किसी भाग को प्रतिस्थापित करता है तो उसे हम प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। इसी तरह से जब एच टी का मिश्रण कराए सोडियम की क्रिया तो सोडियम एसिटेट बन जाएगा। तो जिस तरह की क्रिया होगी प्रतिस्थापन क्रिया, यानी किसी समूह या मूलक का प्रतिस्थापन होना, यानी कार्बनिक यौगिक से किसी अन्य यौगिक द्वारा उसके किसी समूह या मूलक का प्रतिस्थापन होना प्रतिस्थापन क्रिया कहलाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए एस्ट्री और क्रिया क्या होती है, जब किसी मोनोकार्बोनियन अम्ल, जब किसी मोनोकार्बोनियन अम्ल की मोनोहाइड्रिकल मोनो से क्रिया कराते हैं,
जब किसी मोनोकार्बोनिल की मोनोहेड्रल बॉल से क्रिया कराते हैं तो वहाँ पे एस्टर का निर्माण होता है और जलन घटित होता है, इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। जब किसी मोनोकार्बोनिल की किसी मोनोकार्बोनिल बॉल से क्रिया कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है, इस क्रिया को हम एस्टरीकरण क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए ये हमने क्या लिया, C2H5OH इसकी जब शाम स्पेसिफोटी पत्ते लेंगे और इसकी जब क्रिया चलाएंगे तो इसका एच ग्रुप इसके एच ग्रुप से अलग हो जाएगा और यहाँ पर आपका बन जाएगा CH3C2H5+H2O। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका एथिल एसीटेट बन गया। जो हमारा एथनोइक अम्ल था जो बोलते हैं एसिटिक अम्ल, एथिल अम्ल था जो बोलते हैं एथिनॉल, से अब क्रिया करने पर एस्टर बना और जल अपघटित हो गया। तो इस क्रिया को आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, R COOH+R-OH। जब आप इसकी क्रिया करेंगे तो आपका आ जाएगा R CO+H2। यह आपका क्या है, यह आपका एस्टर है, ठीक है, एस्टर का बनना है। यानी क्या एस्टर का बनना एस्टरीकरण कहलाता है। यानी किसी रासायनिक क्रिया में यानी मोनोकार्बोनिल अम्ल की मोनोहाइड्रिकल बॉल से क्रिया कराने पर एस्टर का निर्माण होना एस्टरीकरण कहलाता है, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल बताया एस्टरीकरण की, मैंने एथिल अल्कोहल से क्रिया कराई, एथिल एसीटेट बना, जल बना, तो ये क्रिया हमारी क्या होगी, एस्टरीकरण क्रिया हो गई, ठीक है। एस्टर का निर्माण हुआ तो हमारी कैसे क्रिया हो गई, एस्टरीकरण क्रिया हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन की ओर। देखिए अब आपका ऑक्सीकरण क्रिया क्या होती है, कि ऑक्सीकरण क्रिया यानी ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है, ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है उसे हम ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिखे एथिल अल्कोहल C2H5OH, आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो, इसकी जब ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे उपस्थिति लेकिन पोटेशियम परमाणु की क्षारी होगा, या आपके अणु उपस्थिति लेकर पूरा जो ग्रुप है ये CO2H में बदल जाएगा, तो आपको बन जाएगा CH3C2H की एस्टी का बदल जाएगा। जो अल्कोहल ग्रुप था वो किस ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, C2H ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। यानी क्या ऑक्सीजन का ग्रुप होना, यानी किसी भी रासायनिक क्रिया में ऑक्सीजन का संयुक्त होना ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ देखा है अल्कोहल में ऑक्सीजन जोड़ी तो हमारा क्या बन गया, एस्टी का बदल गया। ये हमारे इस कार्बनिक यौगिक की एक ऑक्सीकरण क्रिया है और जिस प्रकार ऑक्सीजन देने की प्रवृत्ति होती है उसे बोलते हैं ऑक्सीकारक। यहाँ पर जो कहना है वो ये प्रकार का ऑक्सीकारक है, क्योंकि इसी के द्वारा जो ऑक्सीजन मिल रही है हमें वो क्या है, एस्टी कंपनी जो कहते हैं और जुड़ रही है इसके द्वारा के नंबर पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा, अर्थात यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। तो जो पदार्थ ऑक्सीजन देने की प्रवृत्ति रखता है उसको हम ऑक्सीकारक कहते हैं, और यह क्रिया क्या होगी, ऑक्सीकरण क्रिया होती है। या तेल की हम क्षार से करें, यानी कुछ कार्बनिक यौगिक तो वसा या तेल की जब हम इससे क्षार से क्रिया करते हैं तो हमारा साबुन और स्टार बनता है, इस क्रिया को साबुनकरण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ हमने ले लिया CH2CH2, यहाँ पे CO2C17H35CO C17H35, यहाँ पर दिया गया CO C17H35, इसकी क्रिया हमने करा दी क्षार से, ले लिया। तो यहाँ से आपको पता पता ये चीज पार्ट का होगा अलग ब्रेक हो जाएगा तो आपका बन जाएगा C17H35COOCOOH, और ये तीन मॉलिक्यूल्स बनेंगे प्लस CH2OH बॉन्ड CH2OH सॉरी CH2OH बॉन्ड CH2OH। ये जो है हमारा ग्लिसराल और ये हमारा साबुन है, हमारे क्या साबुन से होते हैं सोडियम स्टीरेट, क्या होते हैं सोडियम स्टीरेट, जो हमारे क्या सोप है। यानी क्या कुछ वसायुक्त, ठीक है, कुछ वसायुक्त कार्बनिक यौगिक यानी वसायुक्त तेल की हम जब किसी क्षार से क्रिया कराते हैं तो साबुन तथा ग्लिसराल का निर्माण होना साबुनीकरण कहलाता है। यानी हमारा स्टीरेन था, ठीक है, इस स्टीरेन की जब सोडियम हाइड्रोक्साइड
इंस्टॉल है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते साधन करेंगे कुछ और सारी कारण होगी कि ठीक है, जब किसी शार्ट प्रक्रिया कराना साधु का निर्माण होना साधु घंटे का प्रारंभ है। इस तरीके से आपका फाइल यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया, जिस कारण में शुरुआत की दहन क्रिया क्या होती है, प्रतिस्थापन क्रिया क्या है, प्रतिस्थापन के निष्क्रीकरण क्या होता है, निष्क्रीकरण प्रतिस्थापन क्रिया जो है, निष्क्रीकरण ऑक्सीकरण क्रिया क्या है और साधु गणन क्या है। तो पाँच प्रक्रिया